मंगानी प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मने निरतेयोपनिषत्सुधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। केवल आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ का साक्षात हेतु है। दृष्टांत बतला दिया, तप्त तो पुरुष ग्रहण का दृष्टांत है। सत्य है एक अद्वितीयम ब्रह्म, उसको आत्म रूप से जान लेने पर समस्त अनर्थ का हेतु है मूलाविद्या। मूलाविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और परमानंद स्वरूप का आविर्भाव हो जाता है। ये परमानंद स्वरूप का जो आविर्भाव है, यही ज्ञान का फल है। निर्मिष्ट निखिल दुख परमानंद स्वरूप आविर्भाव प्रमाण फलम, वाचस्पति ये भामति में लिखते हैं। ये जो प्रमाण है, ब्रह्माकार वृत्ति रूपी ज्ञान, यही प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ प्रमाण। इसका फल जो ब्रह्म अवबोध रूपी अतः स्वरूप परमानंद स्वरूप का आविर्भाव, ये फल की तरह फल कहा गया है। इसलिए मुख्य में फल शब्द का प्रयोग गौण है, मुख्य नहीं है। ऐसा अद्वैत आत्मज्ञान स्वभावी नहीं होता है कर्म के साथ। इसलिए तुम जो कहते हो कर्म समुचित आत्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है, ये कथन ठीक नहीं है।
क्योंकि भगवान भाष्यकार ने कह दिया अतएव न कर्म स्वभावी अद्वैत आत्मदर्शनम। दर्शन का अर्थ है ज्ञान, साक्षात्कार रूपी ज्ञान। यहाँ तक हो गया आए, हाँ ये हो गया ना। आगे है और ऐसा जो ज्ञान है आत्मज्ञान, इसका कोई बाधा का ज्ञान नहीं है ये कहने जा रहे हैं। थोड़ी टीका ले लो अवतरण के रूप से। किंच अद्वैतात्मज्ञानम स्वसाध्य सिद्ध्यर्थम वा कर्मापेक्षते स्वबाधक विदुनार्थम वा। दो विकल्प किया जा रहा है ना। कौन सा ज्ञान कह रहे हैं? अद्वैत आत्मज्ञान, अद्वैत चासु आत्मा इति अद्वैतात्मा तस्य ज्ञानम अहम बस्मि परब्रह्म, ऐसा ज्ञान। ये जो ज्ञान है आप कर्म की अपेक्षा कहते हो ना, तो किस लिए कर्म की अपेक्षा करेगा आत्मज्ञान? पहला पक्ष है स्वसाध्य सिद्ध्यर्थम, स्व से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से होने वाला जो साध्य है मोक्ष। साध्य का अर्थ फल, फल की तरह फल है, इसलिए स्वसाध्य आत्मज्ञान से होने वाला जो मोक्ष है उसकी सिद्धि के लिए, सिद्धि का अर्थ उत्पत्ति अथवा प्राप्ति, प्राप्ति के लिए है ना कर्म की अपेक्षा करता है आत्मज्ञान, ऐसा कहते हो। अथवा ये कहते हो स्वबाधक विधुननार्थम वा, स्व है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का के बाधक होगा है ना, बाधक कोई होगा ज्ञान, उस बाधक ज्ञान को नष्ट करने के लिए विधुनन का अर्थ नाश, ध्वनि कंपने है, नष्ट करने के लिए एक ज्ञान कर्म की अपेक्षा करता है। तो पहला पक्ष क्या हुआ? बोलते हैं मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान कर्म की अपेक्षा करता है, ऐसा मान लो। बोलते कि नहीं, न आद्य है, पहला पक्ष होगा ही नहीं। क्यों? टीका पहले से ले लो है। कहते कि तस्य असाध्य फलत्वा, बोलते हैं ज्ञान से जो मोक्ष होता है ना, वो मोक्ष तो वास्तविक साध्य नहीं हो, केवल आवरण को दूर मात्र करता है। आवरण अज्ञान रूपी आवरण की निवृत्ति हो गई, परमानंद तो ब्रह्म का स्वरूप ही हो, उसका प्राकट्य हो जाता है। जैसे प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति हो गई, अंधकार से आवृत जो घटपटा दी वो प्रकट हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, दंड चक्र आदि का व्यापार करने पर जो घट उत्पन्न भले ही हो, लेकिन जो घट पहले से विद्यमान है अंधकार में, वो प्रकाश उसको उत्पन्न नहीं करता है। इसी प्रकार से परमानंद स्वरूप है, अभी बताया आप लोगों को, निर्मिष्ट सकल दुख परमानंद स्वरूप, निर्मिष्ट सकल दुख परमानंद जो स्वरूप है ये तो ब्रह्म का स्वरूप ही है, इसलिए फल नहीं है। फल उसमें तो शब्द प्रयोग गौण प्रयोग है, वो साध्य नहीं है। तस्य कहने से मोक्षस्य असाध्य फलत्वात् असाध्यम फलम यस्य, तस्य कहने से आत्मज्ञान को भी ले सकते हो। बहुवरी समाज यदि करेंगे तो तस्य का अर्थ आत्मज्ञानस्य असाध्य फलत्वात्, यदि कर्मधार समाज करेंगे तस्य का अर्थ मोक्षस्य हो जाएगा। असाध्यम च तत्फलम इति असाध्य फलम, तस्य भाव असाध्य फलत्वम। देखो ये व्याकरण है। भोबरी समास करेंगे तो तस्य का अर्थ हो जाएगा ज्ञानस्य, और असाध्य फल को यदि कर्मधारा करेंगे तस्य का अर्थ हो जाएगा मोक्षस्य हो जाएगा।
है ना, लेकिन बहुव्रीहि समास करने से और अच्छा है। इति मन्वाना, ऐसा मानता हुआ, इसलिए मोक्ष फल नहीं है वास्तविक, वो तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो नित्य है। इसलिए द्वितीय यदि पक्ष कहेंगे, फिर कौन सा द्वितीय पक्ष हो गया? पहले ज्ञान क्योंकि बाधक होगा, हैं, उस बाधक को नष्ट करने के लिए ज्ञान कर्म की अपेक्षा करता है। ऐसा यदि कहेंगे तो अद्वैत आत्मज्ञान हो जाएगा बाध्य, जो बाधित हो रहा है ना, हाँ, और जो बाध करेगा उसको बोलेंगे बाधक, ठीक है। तो जिसको जो बाध किया जाएगा बाध्य, वो तो पहले होगा ना, उसको पहले मानना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे प्रकाश होता है बाधक अंधकार का, अंधकार पहले हो तब तो प्रकाश उसको बात करेगा। इसी प्रकार जो बाधक ज्ञान बोल रहे हो, जिसको बात करेगा, किसको बात करेगा? आत्मज्ञान को। इसका मतलब आत्मज्ञान पहले मानना पड़ेगा। यदि पहले हो गया आत्मा, अद्वैत आत्मा का ज्ञान, वो तो सबको बात कर देगा, उसको कौन बात करेगा? ये बात कह रहे जा रहे हैं। क्रिया आए हाजी नहीं, यहाँ पर ये अभिप्राय नहीं चल रहा है। चल रहा है कि भाई ज्ञान जो है ना, कर्म की अपेक्षा करता है, ये आप कहते हो। इसमें दो पक्ष उठा जा रहा है, पूछा जा रहा है, ज्ञान कर्म की अपेक्षा क्यों करता है? यदि पहला पक्ष करेंगे, ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान से नहीं, कर्म भी चाहिए, समझ में ना, इसका निराकरण तो हो गया, हाँ, क्योंकि मोक्ष के फल तो है ही नहीं, इसलिए मोक्ष रूपी फल की उत्पत्ति के लिए ज्ञान अपेक्षा करेगा कर्म के। फिर दूसरा पक्ष मान लो, दूसरा पक्ष क्या हो गया, हाँ, ज्ञान कर्म की अपेक्षा करेगा, है ना, क्योंकि ज्ञान को बात करने वाला कोई है, समझ में ना, मतलब ज्ञान में प्रामाण्य का निषेध करने वाला, समझ में ना, उसको कहेंगे बाधक। क्या कहेंगे? बाधक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अनुमान कर रहा है, अनुमान से बाधक कौन होते हैं? चक्षु प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान से जिसको सिद्ध करते हो, मान लीजिए पर्वत में आपने जो है, हैं, बाष्प को देख करके बन्ही को सिद्ध किया, पर्वत में धूम नहीं है, हाँ हाँ, किसको धूम समझ रहे हो? बाष्प को समझ रहे, गैस को, और पर्वत बन्नीवान धुमात, अनुमान हुआ कि नहीं हुआ? अब पास में जाएंगे तो बन्नी मिलेगी, तो किससे बाधित हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गया कि नहीं? तब प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया बाधक, और अनुमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान अनुमिति, वो क्या हो गया? बाध्य हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? इसी प्रकार कह रहा है, ये जो वेदांत प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान है, इसको कोई बात करने वाला होगा, उसको क्या बोलेंगे? बाधक। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए वो जो बाधक है ज्ञान को बात करने वाला, उसको नष्ट करने के लिए कर्म होना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो आत्मज्ञान को कोई बात करने वाला नहीं होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष कह रहा है, अपने दिमाग से बोल रहे हो, ठीक है, ना समझे से। इसका निराकरण किया जा रहा है, बोले जितने भी संसार में प्रमाण है, सबसे प्रबल प्रमाण कौन है? वेदांत है, अपुरुषीय वाक्य है, चित्त भी शुद्ध है, परंपरा से विचार करता है, तो वेदांत प्रमाण से ज्ञान होगा। इसलिए वेदांत हो गया प्रबल प्रमाण, ठीक है। तो प्रबल प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान होता है, उसका कोई बात करने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये बात कह रहा है। इसलिए तो
श्रुति प्रमाण को मानना पड़ता है। श्रुति प्रमाण से तुमको यदि अनुभव होगा तो तुम्हारा अनुभव प्रामाणिक है, इसको कौन सिद्ध करेगा? लोग बोलते हैं मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। यही कहा, यहाँ पर एक हरिद्वार में थे महाराज जी थे, यही रजनीश से ही कहा उसने, रजनीश थे ना ओसो, हाँ वो पंजाब में कहीं शास्त्रार्थ हो रहा था, वो किसी बात को लेकर के बोला वो भाई ये मेरा अनुभव है। तो यहाँ पर एक महाराज जी थे, वो चुपचाप थे, विद्वान लोग तो चुपचाप रहते हैं ना, मौका आने पर बोलेंगे। तो महाराज जी बोले तू कहते कि मेरा अनुभव है, इसमें क्या प्रमाण है? तुम्हारे अनुभव में प्रामाण्य को सिद्ध करने वाला क्या प्रमाण है? अनुभव को यदि प्रमाण कहोगे तो सबका अनुभव होता है, रज्जु में सर्प ये भी अनुभव है, माला ये भी अनुभव है कि नहीं? इसलिए केवल स्वतंत्र रूप से अपने बौद्ध अनुभव को प्रमाण नहीं माना जाता है। इसलिए अंततत्वा कोई मूल श्रुति होनी, मूल प्रमाण होना चाहिए, वो कौन है? अपुरुषीय है, वेद है, ऐसा समझना होता है। ठीक है, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, देखो भाष्य लीजिए, क्रिया कारक फल भेद उपमर्दने ना। देखो जो ज्ञान होता है ना, अधिष्ठान सत्य का ज्ञान, अधिष्ठान सत्य का जब ज्ञान होता है वो भेद को उपमर्दन करके ही ज्ञान होता है। ये भागवती में ये विचार आया ब्रह्मसूत्र में, जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश जब उत्पन्न होता है तो अंधकार को निवृत्त करके ही उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं कि प्रकाश हुआ तो उसके बाद धीरे 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 अंधकार जाएगा, ऐसा नहीं। प्रकाश का स्वभाव होता है, प्रकाश होते ही वो अंधकार को निवृत्त करके ही होगा, वो ऐसा मानते हैं। इसमें अगर भगवान भाष्यकर भी कह रहे, देख लो क्या कहते हैं, क्रिया कारक का फल भेद उपमर्दन ना। ये देखो ये जो भेद है, अविद्या से होने वाला जो भेद बुद्धि है, वेद में सत्यत्व बुद्धि है, एक क्रिया है, कारक है, मैं कर रहा हूँ, ये हो गया कारक, देवता आदि हो गए संप्रदान, है ना, ये करण है द्रव्य आदि, ये फल है स्वर्ग आदि, ये सब ले लो। ये जो भेद हो गया, भेद बुद्धि, भेद लेना है, भेद में सत्यत्व बुद्धि, इसको क्या करता है? उपमर्दन, इसको बात करता हुआ ये ज्ञान होता है। किस प्रमाण से ज्ञान होता है? कह रहे देख लो, वेदांत प्रमाण से। सदैव सदैव सद एकम एवा द्वितीयम, ये छांदोग्य का आगे आएगा मेरे ख्याल से, हाँ षष्ठ अध्याय तो ही है, सदैव समय दमग्रह सद एकम अद्वितीयम, षष्ठ अध्याय है। और आगे ये भी आएगा, कहते हैं कि आत्मा एव इदम सर्वम, ये सप्तम प्रकरण में आएगा अध्याय में, इदम सर्वम आत्मा एव, बाद हो गया, जैसे सर्प रज्जुरेव, इस वक्त इदम सर्वम, इदम सर्वम कहने से सारा दृश्यमान हो गया, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है ना, त्रिपुटी हो गई, क्रिया कारक फल, ये सब के सब जो है आत्मा ही है, अधिष्ठान वस्तु सत्य ही है, इसलिए सबका बाद हो गया। इत्येवम आदि वाक्य, इत्यादि जो वेदांत वाक्य है, अधिष्ठान सद वस्तु का निरूपण करने वाला जो वेदांत वाक्य है, उस वाक्य का विचार करने पर जो ज्ञान होता है, अहम अस्मि परब्रह्म जो ज्ञान होता है, इत्यादि वाक्य जनितस्य, इत्यादि वाक्येन यद जनितम, वाक्य जनितम है ना, कौन ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है, बाधक प्रत्यय अनुपत्ति है, उसको बात करने वाला जो ज्ञान होगा वो कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि वेदांत प्रमाण जो है प्रबल प्रमाण है, इसलिए प्रबल प्रमाण से होने वाला ज्ञान को बात करने वाला कोई नहीं है।
इतना अध्ययन कर लेना चाहिए। ये जनितस्य आया, इसके बाद इतना अध्ययन करना चाहिए। आनंदगिरी बोलते हैं वाक्य जनितस्य अद्वैत आत्मज्ञानस्य, क्योंकि वेद वाक्य तो अनेक प्रकार का होता है, कर्मकांड का ये भी वाक्य वेद वाक्य, तजन्य ज्ञान को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं इत्यादि जो वाक्य है उस वाक्य से जो ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान? बोले अद्वैत आत्मज्ञानस्य, समझ में ना, आत्मा है अद्वैत, उसका जो ज्ञान है अहम् अस्मि परब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान को लेना है, वो भी अपरोक्ष ज्ञान को लीजिए, परोक्ष ज्ञान को नहीं, क्योंकि परोक्ष जो ज्ञान है वो अपरोक्ष भ्रम को तो निवृत्त नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर अपरोक्ष ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि अहम अहम कर्ता अहम भोक्ता ये तो अपरोक्ष भ्रम है। टीकाकार लिखते हैं स्पष्टीकरण, तस्य बाधका अभावेन, है देखो भाई वेदांत प्रमाण जन्य जो ज्ञान है उसका बाधक कोई तो है ही नहीं, बाधक अभावेन, बाधक ज्ञान कोई है ही नहीं, इसलिए तत्परिहारार्थम कुछ बाधक ज्ञान का परिहार करने के लिए ज्ञान जो है किसी सहकारी कर्म आदि की अपेक्षा करेगा, ऐसा तो नहीं है, सहकारी अपेक्षा नास्ते, इसलिए सहकारी की अपेक्षा आत्मज्ञान करता ही नहीं है। यदि बाधक ज्ञान कोई होता तो उसका परिहार करने के लिए आत्मज्ञान अपेक्षा करता कर्म के। अच्छा अब कहते हैं टीकाकार, बाधक प्रत्यय अभावस्य असिद्धिम, भाई अब वेदांत लोग बोलते हैं कि ये संभव ही नहीं है बाधक ज्ञान, बोलते हैं हो सकता है, बाधक प्रत्यय अभावस्य, आत्मज्ञान का कोई बाधक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ये यहाँ पर सु औ जस ओ प्रत्यय नहीं, यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ है क्या, ज्ञान को यहाँ पर कहा जा रहा है प्रत्यय। चलो भैया प्रत्यय, प्रत्यय से प्रति है, इणिगतों से बन जाएगा प्रत्यय, प्रति इको ए हो जाएगा, इको अय, प्रत्यय इणिगतों से ही बन जाएगा और अयगतों से ही बन जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, बाधक ज्ञान, बाधक ज्ञान है ही नहीं तुम जो कह रहे हो, है ना, इसके ऊपर हमारी शंका है। ये बोलते हैं देखो कर्म विधि प्रत्यय इति चेत, ये पूर्व पक्ष कहना है कर्म का जो विधान कर रहा है वाक्य सर्व कामो जजेत, हाँ ये कर्म का विधान करने वाला विधि है, विधि वाक्य, तो विधि वाक्य सुनकर क्या ज्ञान होगा, मैं करता हूँ है कि नहीं, इसलिए मैं जाग करूँ, जाग का फल है स्वर्ग और स्वर्ग मुझे मिलेगा, ये ज्ञान होगा कि नहीं, वेद को सुन करके ज्ञान हो जाएगा ना, इसलिए ज्ञान हो जाएगा बाधक ज्ञान, किसका, अद्वैत आत्मा ज्ञान का, ये बोल रहा है पूर्व पक्ष है, सिद्धांत नहीं। इसके ऊपर टीकाकार लिखते हैं कहते हैं कि तद विषयो विधि प्रत्ययो, तद मतलब कर्म, कर्म विषय जो विधि प्रत्यय है, कर्म का विधान कर दिया ना, स्वर्ग कामो जजेत इत्यादि, इसलिए जो विधि प्रत्यय, विधि का ज्ञान हुआ, जजेत ऐसा है, कुरियात ये सब ज्ञान होता है ना, विधायक वाक्य से जो ज्ञान है, जैसे लिखे स्वयं तो लिख रहे हैं जजेत इत्यादि, जजेत इत्यादि जहाँ पर लिंग लकार है लोट लकार है ये सब होता है, जजेत इत्यादि जो विधि है, विधि वाक्य, विधि का अर्थ विधि वाक्य, जजेत इत्यादि जो विधि वाक्य है तजनित ज्ञान हो रहा है, कैसा ज्ञान,
कर्तव्यता बोध, मुझे करना चाहिए जा, क्योंकि मुझे भोग मिलेगा, ये सब ज्ञान हो जाएगा। ऐसा जो ज्ञान है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि ना हो आत्मा में, ये ज्ञान कैसे होगा? ये तो सिद्ध हो रहा है ना, आत्मा यदि कर्ता भोक्ता ना होता, यही ना करें मीमांसा लोग। आप कहते हो नहीं, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो अभोक्ता है। आत्मा यदि कर्ता भोक्ता न होता तो स्वर्ग काम हो जजेत, ये श्रुति क्यों विधान करते? अर्थापत्ति हो गया ना। कर्मकांडी लोग बोलते हैं अर्थापत्ति सिद्ध हो जाएगा, यदि आत्मा कर्ता भोक्ता न होता तो जजेत कुरिया जाग करे, ये विधान क्यों करता है ना? इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, ये बोल रहे है। सच सकने से बोध, कर्तव्यता जो बोध है, ये क्या सिद्ध करेगा? देखो, आत्मने कर्तृत्वादिकम आकांक्षन, आत्मा में कर्तृत्व आदि से ले लो, भोक्तृत्व, कर्तृत्व है भोक्तृत्व है इत्यादि की आकांक्षा करते हुए, आकांक्षन काक्ष धातु होता है, काक्षी आकांक्षायाम आकांक्षा करते हुए सत्रंत है ना, इसलिए यह बाधक हो जाएगा। किस ज्ञान का? बोलते हैं अकर्ता अभोक्ता का। अकर्त्रादि आत्मज्ञान से बाधको भवति इत्यर्थ। आप जो कहते हो कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, ये जो ज्ञान बोलते हो, अद्वैत वेदांत से जनित जो ज्ञान है, इस ज्ञान का बाधक हो जाएगा। कौन ज्ञान? यही ज्ञान है ना, हाँ, वेद वाक्य से जनित कर्तव्यता का ज्ञान, ये हो जाएगा बाधक। सिद्धांत नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। अब इसके ऊपर कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, न शब्द से कह रहे हैं, बोलते हैं कि ऐसा बाधक ज्ञान कोई है ही नहीं, है ना। तुम कहते हो कि बाधक ज्ञान है, बाधक ज्ञान कोई भी नहीं होता है, अद्वैत आत्मा ज्ञान का कोई बाधक नहीं होता, ये सिद्धांत पक्ष है। टीका का लिखते हैं, कस्य अयम कर्म विधि ही ये जो कर्म का जो विधान हो रहा है, सर्ग कामो जजेत कार्या जजेत वृष्टि काम इत्यादि जो वाक्य है, इसको कहते हैं कर्म विधि। किसके लिए है बताओ? अज्ञानी के लिए है कि विद्वान के लिए? समझ में ना, अज्ञानी के लिए है, विद्या मतलब पढ़ा लिखा नहीं, विद्या मतलब आत्मज्ञानी लेना यहाँ पर। अज्ञानी है कि आत्मज्ञानी है, किसके लिए है? इति विकल्प्य आद्यम प्रति, यदि आद्य पक्ष हो गया अज्ञानी अज्ञानी के लिए होता है ये सब, तो कह रहे देखो ना, ये जो कहते हो आत्मा करता है आत्मा भोगता है, ये जो ज्ञान है ना, ये विधि वाक्य को सुनने से ज्ञान होता है कि विधि वाक्य को सुनने से पहले होता है? बड़ा सुंदर विचार आ रहा है। जजेत सर्ग काम कह दिया, विधि वाक्य हो गया ना, इसको सुनने से पहले ज्ञान है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, कि सुनने से पहले है? क्या बोलते हैं? पहले है ना पर ये विधि वाक्य है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का विधान करता है क्या? हाँ, ये विधान करता है, जो अज्ञात है उसका विधान करेगा, अज्ञात का ज्ञापकत्व होता है ना वेद वाक्य, ज्ञात का ज्ञापक नहीं। आत्मा करता है आत्मा भोक्ता, ये तो सबको ज्ञात है, ठीक है। नैया के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं कि आत्मा करता है आत्मा भोक्ता है, अब किसी के पास आया, किसके पास आया? नाई के पास आया, नाई नाई बाल करने वाला भी, नाई से पूछा हाँ ये किसने काटा है? तो किसने काटा? मैंने काटा। किसने काटा? ठीक से बोल रहे हो, और क्या, मैंने ही काटा भाई, पागल हो गए क्या नैया किसे बोल दिया नाई?
बार बार पूछ रहे हो, मैंने काटा बोल रहा हूं, फिर भी बार बार तुम पूछ रहे हो। तो पढ़ने लिखने की आवश्यकता है क्या कि आत्मा करता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं? ये तो सबको ज्ञात है। ज्ञात का विधान कर्मकांड भी नहीं करता है। जाग स्वर्ग का साधन है, ये ज्ञात नहीं है, उसका केवल विधान करता है। और तुम करता हो, तुम भोगता हो, इसका विधान नहीं, क्योंकि वो पहले से ज्ञात है, प्रकृति से, पूर्व संस्कार से, पूर्व पूर्व संस्कार से उत्तर उत्तर भ्रम होता है, उसके लिए विधान करना नहीं पड़ता है, ये बोलते हैं। देखो, कर्तृभोक्तृ स्वभाव विज्ञान मत है। देखो क्या लिखते हैं भाष्यकार, मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये जो ज्ञान हो रहा है ये किससे हो रहा है? स्वभाव से हो रहा है, पूर्व संस्कार से हो रहा है, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। विज्ञान मत है ना, ये बोलते हैं। इसलिए तज्जनित कर्म फल रागादि द्वेषवतश्च कर्म विधाना, देखो लिखते हैं। तज्जनित, तज्जनित तस लीजिए ज्ञान, स्वाभाविक का जो ज्ञान हो रहा है पूर्व संस्कार से, पूर्व संस्कार से जो है भ्रम ज्ञान, ज्ञानाध्यास ले लो, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जो भ्रम ज्ञान हो रहा है इसको बोलते ज्ञानाध्यास। ब्रह्मसूत्र में जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है इसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास। ज्ञानम चासु अध्यास इति ज्ञान, ये जो ज्ञान हो रहा है कि मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, ये पूर्व संस्कार से होता है। ये लिखते हैं देखो, इले तज्जनिता तस लीजिए स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान से दोष होता है। कौन सा दोष है? देखो, कर्म फल राग देश, कर्म में राग और फल में भी राग, ठीक है। जागादि जो कर्म हो गया उसमें भी राग होता है, क्योंकि फल में राग है, आ किसी को मारना है उससे द्वेष हो रहा है, देख लो ये बोलते हैं। इसलिए द्वेष भी ले लीजिए, राग द्वेष, कर्म में राग द्वेष और फल में भी राग द्वेष। और आदि से क्या लेंगे? आदि से कुछ ले लो, और क्या राग द्वेष है, संकल्प कर लो। राग द्वेष होने के बाद संकल्प करता है, मैं ये कर्म करूँ, संकल्प होता है ना, हाँ। जाग विषक जो जाग जन्य हो गया स्वर्ग, और स्वर्ग और जाग में क्या होगा? राग हो गया। राग के बाद क्या करता है? मैं संकल्प करता है, फिर हाथ में जल ले करके, है कि नहीं, फिर द्रव्यादि का ग्रहण, धन संचय आदि, ये सब आदिपद से सब ले लीजिए। राग द्वेष आदि ये सब हो गया द्वेष, दोष दोष, इसको कहते हैं दोष, दुख जन्म प्रवृत्ति। क्या कहते हैं न्याय में? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर उपाये तत्नातर उपायात अपवर्ग, अपवर्ग बोलते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति, हाँ, प्रवृत्ति के बाद होता है दोष, दोष से वहाँ पर न्याय में लेते हैं राग द्वेष, है ना। संसार में जो प्रवृत्ति हो रही है इसका हेतु तो क्या है? राग द्वेष हो गया। राग द्वेष का हेतु तो होता है मिथ्या ज्ञान। तो ये कह रहे, ये जो दोष है, दोष बतः, दोष जिसको है उसी के लिए क्या होता है? कर्म का विधान होता है। तात्पर्य क्या निकला? कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो ज्ञान है, हाँ, ये विधि वाक्य से हुआ कि स्वभाव से हुआ? हाँ, स्वभाव से हुआ, विधि से नहीं। विधि वाक्य उसका विधान नहीं करता है, बोध नहीं कराता है कि तुम करता हो, तुम भोक्ता हो, ठीक है। इसीलिए ये बाधा का ज्ञान नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर देखो भाई, कर्त्राद्याकारं प्रमाण निरपेक्षं प्रकृति प्रदूषम मिथ्या ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ना ब्रह्म ज्ञान, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का आकार क्या है? कर्त्रादि आकारम मिथ्या ज्ञानम, उधर अन्वय है, हाँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इत्याकारक। मैं करता हूँ कहने से कर्ता हो गया प्रकार, और अहम हो गया विशेष्य, इसलिए कर्तृ भोक्तृ प्रकारक
अहम विषय का ज्ञान नैया के लोग बोलेंगे, यही हो गया मिथ्या ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान होता है वो किससे होता है? स्वभाव से होता है, प्रकृति से होता है, संस्कार से होता है। ये बोलते हैं प्रमाण निरपेक्ष प्रकृति पशुतम मिथ्या ज्ञानम। प्रमाण है वेद वाक्य, वेद वाक्य की अपेक्षा नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान के लिए, यदि स्वभाव से हो रहा है फिर किससे हैं? यदि प्रमाण से यदि नहीं हो रहा है तो स्वभाव से होगा। प्रकृति प्रसूतम, प्रकृते है प्रसूतम इति प्रकृति प्रसूतम। प्रसूतम का अर्थ है जन्यम, ब्रह्म ज्ञान होता है जन्य ज्ञान है। तद्वतः ऐसा मिथ्या ज्ञान जिसको हो रहा है अहम कर्ता अहम भोक्ता, तेना मिथ्या ज्ञाने ना, ऐसा मिथ्या ज्ञान से कर्म होता है। फिर आगे ये बोलते हैं जनित कर्म फल विषय, मिथ्या ज्ञान से ये जनित है हाँ, कर्म फल विषय जो राग द्वेष आदि है, जो लिख दिया है ना, राग राग आदि दोष, और ऐसा राग आदि दोष जिसको हुआ तद्वतश्च कर्म विधीयते, ऐसे अज्ञानी के लिए कर्म का विधान होता है। कर्म विधीयते, विधीयते कया श्रुत्या अध्ययन कर लीजिए है ना, वेद वाक्य से श्रुति उसका विधान करती है, श्रुति के द्वारा विधान किया जाता है कर्म का। नहीं करता अहम इत्यादि मिथ्या धियो रागादेश अभावे कर्म विधातुम शक्यम। हे देखो जिसको ज्ञान है इस प्रकार, किस प्रकार बोलते हैं मैं नहीं करता अहम, जैसे मैं करता हूँ मैं भोक्ता हूँ है ना, ऐसा ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान ये नहीं है। ठीक है, रागादेश अभाव है, राग द्वेष आदि कुछ है ही नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का विधान किया जा सकता है? बोलते ना कर्म विधा तुम नहीं सक्यम, संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा आत्मज्ञान होगा वो तो स्वयं बात कर देगा वो। कर्म का विधान क्या होगा? हाँ, जहाँ पर कर्म दिखता है आत्मज्ञानी में, जनक आदि की तरह हो, वशिष्ठ जी आदि की तरह हो, वहाँ पर कर्म नहीं है, कर्म का आभास है बोलते हैं, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता है, आभास है वो। यद यद हे कुरुते जंतोष तत्त कामस्य चेष्टितम इति स्मृते है। हाँ, यद यदि कुरुते जंतु, जंतु यद यदि कर्म कुरुते, यद यद किम कर्म, जंतु ल प्राणी, प्राणी जो कुछ भी कर्म करता है वो किससे? बोले तत्त कामस्य, वो कर्म क्या है? कामना से, बस कामना से ही वो चेष्टित होता है, संपादित होता है। सारी की सारी क्रिया का हेतु वहाँ पर क्या है? कामना ही है, कामना, कामना पूर्वक ही होता है। और आत्मज्ञानी में जहाँ पर होता है वो कर्म का आभास होता है, वास्तविक कर्म नहीं है वो। इति स्मृते है, अतः इसलिए जो है अज्ञस्य कर्म विधि पक्षे, पक्षे अज्ञानी के लिए कर्म का विधान होता है, ये जो आपका पक्ष है। न तत् प्रत्ययो बाधक, ये देखो लिखते हैं भाई, इसलिए बाधक ज्ञान तो कोई है ही नहीं। अद्वैत आत्मज्ञान का कोई बाधक ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? देखो हेतु दे रहे है। बोलते हैं जिसका बात करेगा कर है ना, विधिजन्य जो ज्ञान है, विधिजन्य ज्ञान कह रहे हो, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, ये ज्ञान हो जाएगा बाधक, किसका? बाध्य का, बाध्य कौन? अद्वैत आत्मज्ञान। अभी अद्वैत आत्मज्ञान हुआ है क्या? जो हुआ ही नहीं तो किसका बात करेगा? आत्मज्ञान जब हुआ ही नहीं अभी है ना, तो विधि वाक्य से जनित ज्ञान बाधक का कहाँ हुआ? अरे जिसका बात करेगा वो पहले होना चाहिए ना,
अभी तो तुमको अद्वैत आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं, फिर तुम्हारा ज्ञान कहाँ से बाधक होगा? अब बोले अद्वैत आत्मा का ज्ञान होगा तो कर्म ही नहीं होगा, फिर बाधक क्या होगा? फिर इसलिए लिखते हैं देखो, प्राप्ति अभाव, जो आत्मज्ञान है बाध्य बाधित होने वाला, वो तो अभी हुआ ही नहीं। ये जो टिप्पणी दिया है यहाँ पर टिप्पणी में पहला वाले में, बाध्यश्च बाध्य कौन है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अकर्त्रादि आत्मज्ञानस्य, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं असंग हूँ, ये ज्ञान अभी हुआ कहाँ है? तो हुआ ही नहीं तो बाधक ज्ञान कोई है ही नहीं फिर, है ना? ऐसा बोलते हैं प्राप्ति अभाव, इसलिए तुम्हारा सिद्धांत बनेगा नहीं। द्वितीयम संकते, दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यही है कि जो है क्या कहाँ चला गया, विद्वान विदुष, भाई विद्वान के लिए होता है ये बाधक ज्ञान, ऐसा आप कहेंगे। कर्म, कर्म विधि, कर्म का जो विधान होता है अज्ञानी के लिए नहीं विद्वान के लिए होता है, ये पक्ष भी बनेगा नहीं। देखो लिखते हैं, पहले शंका ले लीजिए। अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात् अद्वैत ज्ञानवतोपि कर्म इति चेत, ये पूर्व पक्षी कहता है। कहते हैं भी देखो, कर्म का विधान तो उसी के लिए होता है ना जिसने सकल वेदार्थ का ज्ञान की प्राप्त किया हो। अधिगत सकल वेदार्थस्य, संपूर्ण वेद का जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ कहने से क्या आ गया, आत्मा भी आ गया कि नहीं, धर्म भी आ गया, अर्थ भी आ गया, ये क्या बोलते, आत्मा भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसलिए अधिगत सकल वेदार्थ ये न हो गया, बौबरी समास तृतीय अर्थ में बौबरी समास क्या बन जाएगा, अधिगत सकल वेदार्थ, उल्टा नहीं होगा, वेदार्थ सकल अधिगत नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं? समाज लोग पढ़े नहीं होगा ऐसा, क्यों? देखो बताते हैं, सूत्र है निष्ठा, ये सूत्र क्या है, निष्ठा सूत्र होता है, निष्ठा, ठीक है, निष्ठा का अर्थ है निष्ठा प्रत्यांत, तक तब तो निष्ठा है ना, जो निष्ठा प्रत्यांत होता है ना, हाँ पूर्व निपात उसी का होता है बहुवरी समाज में, है ना, जैसे बाल का लक्षण नहीं करते हो तर्क संग्रह में, है ना, क्या करते हैं ना बाल का लक्षण, क्या अधित व्याकरण काव्य कुशत्व सति अनधित न्यायशास्त्रत्म, अधिगत हो गया निष्ठा प्रत्यांत, जो निष्ठा प्रत्यांत होता है उसका पूर्व में ग्रहण होता है बहुवरी समास में, ठीक है, ये बहुवरी समास हो गया। निष्ठा प्रत्यंत कौन है? अधिगत, ये अधिगत पहले होगा और सकल वेदार्थ बाद में होगा, ठीक है, जैसे कृतकृत्य बोलते हैं ना, कृतकृत्य, कृतम कृत्यम ये ना, कृतकृत्य हो गया तो कृत पहले होगा, ठीक है। तो जिसने सकल वेदार्थ को प्राप्त कर लिया उसी के लिए कर्म का विधान होता है। इसलिए क्या तात्पर्य हुआ, अद्वैत ज्ञानवत, अद्वैत आत्मा में वेदार्थ है कि नहीं? सदैव सम इदम अग्र आसीद एकम अद्वितीयम, ये भी तो पढ़ा है ना पहले, है ना, क्योंकि स्वाध्याय अध्येतव्य, अपनी शाखा का अध्ययन करेगा तो अपनी शाखा में ये भी आएगा, अद्वैत आत्मा विषय का वेद वाक्य आएगा, इसलिए बोलते हैं। इसलिए अद्वैत ज्ञानवत अभी, अद्वैत ज्ञान जिसको हुआ उनके लिए कर्म का विधान हो जाएगा, कर्म इति चे, कर्म उसके लिए हो जाए। थोड़ी टीका है ले लो। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय समझ लेते हैं। पूर्व पक्षी का अभिप्राय ये है, अधित स्वाध्यायो ही, अधित स्वाध्याय ये न, स्वाध्याय करता होता है अपनी शाखा, अपनी शाखा का अध्ययन जिसने किया उसको बोलेंगे अधित स्वाध्याय,
यहां पर भी देखो निष्ठा प्रत्यय अधितः इंग अध्ययन है, अधिपूर्वक इंग अध्ययन है तो अधित हो जाएगा तप प्रत्यय करने पर। अधित मतलब पठित ज्ञात स्वाध्याय है ना, उसका ही वेदी के कर्मण अधिक्रियते, वेदिक कर्म में उसका अधिकार होता है। और मान लीजिए बुद्धि में योग्यता नहीं है तो गुरु की बात मानेगा और क्या, गुरु की बात मानेगा। ऐसे तो ऐसा भी कहा गया कितनी भी बुद्धि कमजोर हो, महाभाष्यकार ने कहा है ना पाणिनि सूत्र के, कितनी भी बुद्धि कमजोर हो ब्राह्मण को तो जरूर पढ़ना चाहिए। बुद्धि कितने भी कमजोर हो वेदाध्ययन तो जरूर करना चाहिए, करना चाहिए है कि नहीं। ऐसा बोलते हैं क्योंकि अपना धर्म है कि नहीं, अपना धर्म है स्वधर्म है नहीं देना चाहिए। कितने बुद्धि कमजोर हो कोई बात नहीं है कि नहीं, ऐसा होता है। तो वैदिक कर्मणी अधिक्रियते और अध्ययनम, भाई अध्ययन का फल क्या होता है, अर्थ अवोध फलम, पूर्व पक्षी का ये सिद्धांत नहीं भाई। अध्ययन मतलब क्या है, ऐसा सुन लिया ये अर्थ नहीं, अध्ययन का मतलब अर्थ का अवबोध भी होना चाहिए, यही हो गया फल अध्ययन का। अर्थ अवबोध फलम यस्य तत् अध्ययनम अर्थ अवबोध फलम इति मीमांसक मर्यादा, ये वेदांत की मर्यादा नहीं। कोई भ्रांति ना हो जाए किसी को, ये टीका कर लिखते हैं वेदांत की मर्यादा, मर्यादा का अर्थ सिद्धांत, मर्यादा का अर्थ सिद्धांत, मर्यायाम दियते इति मर्यादा, मरिया शब्द होता है मरिया, मरिया बोलते हैं पर्याप्ति को, सीमा को, मर्यायाम दियते इति मर्यादा। हाँ मर्यादा मतलब सिद्धांत ले लो। तथा च अध्ययनवतो ज्ञात सर्व वेदार्थस्य जयेत इत्यादि न, जिसने अपनी शाखा का अध्ययन किया उसने सर्व वेदार्थ को जान लिया, ज्ञात सर्व वेदार्थस्य, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का विधान होता है। किस वाक्य से, जयेत सर्ग काम इत्यादि वाक्य से कर्म का विधान होता है। इसलिए क्या तात्पर्य निकला, बोलते आत्मज्ञानस्यापि कर्म अंगत्वं गम्यते, ये अभिप्राय हो गया। क्योंकि आत्मज्ञान का कोई स्वतंत्र फल नहीं है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम का है कि नहीं, इसलिए आत्मज्ञान का स्वतंत्र फल नहीं है, है कि नहीं। हाँ ब्रह्म का साक्षात्कार बोलते हो, ये आत्मज्ञान का फल नहीं है। आत्मज्ञान का फल क्या है, कर्म करेगा, कर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। भाई ये ज्ञान होगा तब तो कर्म करेगा, भाई ये शरीर छूट जाएगा, इस शरीर से मिलने वाला है ही नहीं, ये ज्ञान होगा कि नहीं तब तो कर्म करेगा वो, हाँ इसलिए आत्मज्ञान भी जरूरी है, ऐसा मानते हैं वो लोग। इसलिए तात्पर्य हो गया आत्मज्ञानस्यापि कर्म अंगत्वम गम्यते, ऐसा जाना जाता है। न च आत्मज्ञानम अपवाद्यते, देखो आत्मज्ञान तो अंग है ना। आत्मज्ञान अंग है इसलिए आत्मज्ञान का बाद नहीं होता है, ये बोलते हैं आत्मज्ञान तो रहेगा उसका कोई भी बात नहीं करता है, ये बोलते हैं न च आत्मज्ञान अपवाद्यते, क्योंकि अविरोधा, क्योंकि आत्मज्ञान के साथ तो कर्म का कोई विरोधी नहीं ना है, आत्मज्ञान भी बना रहेगा कर्म भी करेगा वो, ये बोलते हैं। इसलिए क्या हो गया, आत्मज्ञानी के लिए ही कर्म का विधान होता है, जजेत सर्व कामो इत्यादि वाक्यों से, ये होते है पूर्व पक्ष, इसका सिद्धांत तो आता है ऐसा नहीं। अद्वैत आत्मज्ञान ज्ञान हो जाने से ही जो सबका बाद हो जाता है, कर्तृत्व भक्तृत्व का सबका बाद हो जाता है, इसलिए आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञानी के लिए कर्म का विधान नहीं होता है, ये परिहार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, शंकरं शंकरं।
शुक्रवार।